नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आयुर्वैदिक जड़ी बूटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो जंगली क्षेत्रों में, जो जंगल के ढलानों में, नदी नालों के ढलानों में पाए जाते हैं। इसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कोंझाड़ी भाजी तथा केदुओ भाजी के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम जंगली प्याज, वन प्याज है। आज हम इस वीडियो में हम इसी पौधे से पहचान कराने वाले हैं। यह जंगली प्याज किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके औषधीय गुण और फायदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन की घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जंगली प्याज का उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। जून जुलाई में पहली वर्षा के आरंभ होते ही ये देखने को मिल जाती है। यह बिल्कुल प्याज के समान दिखने वाला पौधा है, शायद इसीलिए इसका नाम जंगली प्याज रखा गया होगा। यह जंगली प्याज के कंद है। कंद है जो सफ़ेद प्याज जैसे होती है। इसकी हरी भरी ताजी पत्तियों के सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी सब्जी स्वाद में बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगती है क्योंकि यह शुद्ध प्राकृतिक अपने आप उगने वाली वनस्पति है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक मेडिसिन के प्रभाव से यह बहुत ज़्यादा मुक्त रहने वाली पौधा है। इसकी सब्जी का सेवन करने से डिप्रेशन से राहत मिलती है। यह मानसिक तनाव को कम करती है। आयुर्वेद में लोगों को ठीक करने के लिए ज़्यादातर इसके कंद का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इसके कंद का उपयोग कैसे करें। घुटने या कमर दर्द के लिए इसका कंद बहुत ही रामबाण मेडिसिन का काम करता है। इसके लिए एक दो कंद लें और सरसों का तेल या फिर डोरी का तेल एक पाव लें और कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में मिलाकर तब तक गर्म करते रहें जब तक कि तेल औंट कर एक भाग में शेष रह जाए। फिर उसे उतार कर छान लें और फिर तेल को बोतल में भर कर सोने से पहले जहाँ जहाँ दर्द हो रहा हो वहाँ वहाँ इसे लगाएं एवं मालिश करें। ऐसा करने से दर्द कम होने लगेगा। इसका अगला प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों में जैसे कि खाज, खुजली, दाद आदि हो तो उसमें भी यह तेल बहुत ही उपयोगी है। वहाँ पर लगाने से हमेशा के लिए आराम मिलता है। यदि किसी कारण बस शरीर का कोई अंग कट जाए या फिर चोट आ जाए तो उसके पंचांग का रस उस जगह पर टपकाएं या फिर लेप करें तो 100% दर्द कम होने लगता है। इस हरे भरे पत्तियों को तोड़ लाएं और सभी सब्जी बनाकर खाते हैं तो पेट संबंधी जो रोग है तो वह सदा के लिए उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इसके पत्तियों का सब्जी के रूप में सेवन करने से यह स्वादिष्ट तो लगता ही है, साथ ही ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है और अजीर्ण नहीं होता है। चोट, मोच, सूजन आदि में भी इसके कंद को कुचल कर पेस्ट बना ले और लेप करने से दर्द व सूजन हो तो वह भी ठीक हो
जाता है, यदि पैर के नीचे तलुए में जलन होती हो तो उसके कंद को अच्छी तरह से कुचलकर पीस लें और पैर के तलुओं में लगाने से जलन खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक अपने माता पिता का ध्यान रखें। शुक्रिया।